वेलकम टू द लास्ट पेपर। इस सेशन में बात करेंगे टेस्ट 5 की, पॉलिटी राजभाषा के टेस्ट 5 की। इससे पहले के 4 टेस्ट हो चुके हैं जिसमें 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। ये टेस्ट 5 है जो कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न पिछली यूपी टेट, सीटेट, लेखपाल, यूपी पुलिस, वीडियो, एसआई, रेलवे, एसएससी आदि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन प्रश्न को इस टेस्ट में रखा गया है और उनसे संबंधित हम डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इससे पहले के 4 टेस्ट में 40 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। ये टेस्ट 5 है जिसमें हम 41 से लेकर 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। निम्नलिखित में संविधान का कौन सा भाग संशोधित नहीं किया जा सकता है? प्रस्तावना, राजकीय नीति निषेधक सिद्धांत या तत्व, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा। तो राइट ऑप्शन इज द डी, न्यायिक समीक्षा को संशोधित नहीं किया जा सकता है। बात करें प्रस्तावना की तो संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी बोला जा सकता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व की बात करें या सिद्धांत की बात करें तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकार की बात करें तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकार के विषय में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, स्पेन, इटली। तो राइट ऑप्शन इज द बी, दक्षिण अफ्रीका से भारत में संविधान संशोधन का प्रस्ताव लिया गया है। अन्य देशों की बात करें जर्मनी, जो जर्मनी के संविधान का नाम है बाइमर, ठीक है, जर्मनी के संविधान का नाम है बाइमर। तो आपातकाल और आपातकाल पर मौलिक अधिकारों पर आपातकाल का प्रभाव जर्मनी से लिया गया है, स्पेन से कुछ नहीं लिया गया है, इटली से कुछ नहीं लिया गया है। मूल अधिकार, न्याय की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, राज्यसभा के बारे में कौन सा कथन असत्य है? देखिए इसमें जो 3 कथन है वो सही दिए गए हैं और एक कथन असत्य दिया गया है, उसको हमें चूज करना है। क्या पूछा गया? असत्य कथन। तो पहला पढ़ते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। दूसरा पढ़ते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। सी, राज्यसभा भंग नहीं हो सकती है। डी, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। तो इसमें जो गलत तथ्य है वो ए है, ए गलत है, मतलब ए सही आंसर है। क्वेश्चन के हिसाब से ए सही आंसर है। क्या? राज्यसभा में 12 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। तो असत्य कथन कौन सा हुआ? ए। बाकी राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, ये सही है। राज्यसभा भंग नहीं हो सकती, ये भी सही है। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होगा, ये भी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 44, भारत की संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा मंत्रिपरिषद, लोकसभा राज्यसभा प्रधानमंत्री, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। तो इसका राइट ऑप्शन इज द डी, भारत की संसद में लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति होते हैं। इसको अदर तरह से और भी पूछा जाता, क्या भारतीय संसद में कितने अंग होते हैं? तो भारतीय संसद में 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो इन तीनों को मिला के 3 अंग कहलाते हैं, संसद के 3 अंग। ठीक है, देखिए हमारे संविधान में संसद के विषय में अनुच्छेद 79 में दिया गया है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के विषय में दिया गया, अनुच्छेद 81 में लोकसभा के विषय में दिया गया और अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के विषय में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में गरीबों को 25% मुफ्त सीटों का आदेश दिया गया है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गरीबों के लिए किस प्रकार के शिक्षण संस्थानों में 25% सीटों का आरक्षण है, जिसमें भारत के निम्नलिखित स्कूल हैं, मतलब कौन से टाइप के स्कूल हैं? केवल सरकारी स्कूल, केवल प्राइवेट स्कूल, सरकारी और प्राइवेट स्कूल दोनों, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल, बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल। तो राइट ऑप्शन इज द डी, सरकारी स्कूल, अनुदानित प्राइवेट स्कूल और बिना अनुदानित प्राइवेट स्कूल में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गरीबों को 25%
सीटों में आरक्षण का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न 46 निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, क्या भारत का मुख्य न्यायाधीश, दो सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति उपरोक्त में से किसकी नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। मतलब ये है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकते हैं, इन दोनों में किसकी नियुक्ति पर, तो इसका राइट ऑप्शन इज द सी, मतलब राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों से सलाह मशवरा परामर्श कर सकते हैं किसी की नियुक्ति के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, भारत का संविधान लोगों को विभिन्न राज्यों में व्यापार, वाणिज्य और आवागमन का अधिकार प्रदान करता है, हालांकि इस प्रावधान के बावजूद भारत में एक राज्य के अन्य राज्यों में माल के आयात पर कर लगाने के लिए कानून बना सकता है, बशर्ते अन्य राज्यों में भी ऐसा ही कर लगा हो, राज्य ऐसे कानून बना सकता है या नहीं, इसका निर्धारण कौन करता, मतलब ये है कि एक राज्य का दूसरे राज्य से व्यापार करना, आवागमन का अधिकार, एक राज्य दूसरे राज्य पर टैक्स लगा सकता है कि नहीं, इस सबका निर्धारण कौन कर सकता है, राज्य, संसद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तो राइट ऑप्शन इज द सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है इस बात के कानून का निर्धारण कर सकता है कि कोई राज्य एक राज्य का दूसरे राज्य के माल आयात पर या आवागमन के अधिकार पर टैक्स लगा सकता है, नहीं लगा सकता है। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी गई हैं जो कि आप पढ़ लीजिए, जरूरी हैं। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों के निम्नलिखित परिणाम दिए गए हैं, पहला दोहरी नागरिकता, दूसरा 18 साल की कम उम्र में सही मतदान, तीसरा श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई, इनमें से कौन सा कथन सही है। मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 48 में दिया गया है 1986 में नागरिकता अधिनियम के विभिन्न संशोधनों में जो परिणाम आए उनमें से ये तीन दिए गए, इनमें से कौन कौन सही है, तो राइट ऑप्शन इज द सी, सी इज द राइट ऑप्शन, क्या ये केवल तीन नंबर वाला ये सही है, मतलब श्रीलंका, बांग्लादेश आदि के शरणार्थियों द्वारा नागरिकता प्राप्त करने में कठिनाई, इसके लिए 1986 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किए गए थे। पहली बात यह है कि हमें ध्यान रखना होगा कि भारत के संविधान ने पूरे देश के लिए एकल नागरिकता प्रदान दिया है, ठीक, यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का नागरिक है तो भारत का नागरिक नहीं बन सकता, यदि उसे भारत की नागरिकता चाहिए तो अन्य देश की नागरिकता त्यागनी होगी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, क्या निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सदस्य, राज्यसभा का सभापति इनमें से किसके मतों में चुना जाता है, मतलब इनमें से किसके मतों द्वारा राज्यसभा का सभापति चुना जाता है, केवल एक या दो, एक दो तीनों, या इनमें से कोई नहीं, तो राइट ऑप्शन इज द बी, क्या राज्यसभा का सभापति लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्यों के मतदान द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50, राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष, नीति आयोग के वाइस चेयरमैन, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री, तो राइट ऑप्शन इज द डी, सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्री राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद का अध्यक्ष होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, थैंक यू।